एक धार्मिक पुरुष था, एक फरीसी। उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए। और यह शाऊल दमिश्क में यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर चमकी, वो नीचे गिर पड़ा। एक आवाज ने कहा, शाऊल, तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? प्रभु, तुम कौन हो? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। शाऊल उठा, पर वो अंधा था। उसके मित्र दमिश्क में उसे एक घर में लेकर गए। शाऊल ने वहां पर 3 दिन तक इंतजार किया। उसने कुछ भी न खाया न पिया। इसी दौरान यीशु एक दर्शन में हनन्याह दमिश्क में उसके शिष्यों में से एक पर प्रकट हुआ। यीशु ने उसे जाकर शाऊल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा, ताकि वो पुनः देखने लगे। पर शाऊल तो आपके शिष्यों को गिरफ्तार करना चाहता है, हनन्याह ने कांपते हुए कहा। मैं जानता हूँ, यीशु ने कहा, पर मैं शाऊल को संसार भर में मेरे बारे में बताने के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ। हनन्याह शाऊल के लिए प्रार्थना करने को गया। यीशु ने मुझे भेजा है, उसने कहा, ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको। शाऊल पुनः देख सकता था। तब उसका बपतिस्मा हुआ। यीशु ने शाऊल को एक ऐसे मनुष्य से जो उसके शिष्यों को दुख पहुंचाता था, एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया, जिसने सबको यीशु के बारे में बताया। इसलिए उसने उसका नाम भी पौलुस बदल दिया।